नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों को क्यों करना पड़ता है जीवन में समस्याओं का सामना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कारण के साथ ही उपाय भी बता रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया गया है कुंभ राशि के जातकों के लिए समस्या का जड़। दोस्तों, कुंभ राशि राशिमंडल की 11वीं राशि है और इनके स्वामी शनिदेव है। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं और जो भी कोई व्यक्ति इनके कहे अनुसार चले तो वे उनके परम मित्र होते हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति इनके विपरीत बोल जाए तो कब वे इनके शत्रु में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और इनके यही विचित्र स्वभाव की वजह से लोग इनसे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं और फल स्वरूप इनको अपने जीवन में करनी पड़ती है समस्याओं का सामना। कुंभ राशि के जातक इनके पूरे जीवन के कई सारे क्षेत्र में इनकी विचारधारा ऐसी रहती है कि हम लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार करे लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और इनका यही नेचर इनके रिश्तों के अंदर खटास ला देता है और फल स्वरूप इनको अपने जीवन में इनको अपने रिलेशनशिप में करनी पड़ती है समस्याओं और दुखों का सामना। दोस्तों, कुंभ राशि के व्यक्ति क्योंकि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं, तो ये अपने कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इनके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कई बार परिस्थितियों के अनुसार इनको अपने बातों से मुकर जाना पड़ता है और इस कारण ये अपने जीवन में समस्या खड़ी कर देते हैं। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में बहुत स्वाभिमानी होते हैं और इसी स्वाभिमान के चलते इनके अंदर एक ईगो उत्पन्न हो जाता है और इसी ईगो प्रवृत्ति के कारण ये अपने जीवन में कई सारे मौके खो देते हैं। कुंभ राशि के व्यक्ति अक्सर यही सोचते हैं कि इनके जो मित्र परिवार है अगर उनको कोई काम हो तो वही आकर सबसे पहले पहल करे, वे किसी के पास जाकर बात नहीं करते हैं। इनके ईगो से इनको जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ता है। ये अपने ईगो को स्वाभिमान समझने की अपने जीवन में भूल कर लेते हैं, जिसके कारण ये अपने जीवन में सामना करते हैं समस्या और दुखों का। दोस्तों, मेरी ये सारी बातें सुनकर आपके मन में यही विचार आया होगा कि ये बातें हमें पहले से ही ज्ञात है। मेरे इन बातों को दोहराने का उद्देश्य यही है दोस्तों, कि इन कारणों के वजह से आपके जीवन में कोई भी दुख या समस्या ना आए। दोस्तों, हमारे जन्म के समय हम अपना भाग्य लेकर आते हैं और ये भी सत्य है कि हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं, तो अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा दे संतुलित रूप में लेकर जाए तो हमें दुख और समस्या का सामना अपने जीवन में नहीं करना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।